इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022। देखिए, अगर प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल पे क्वेश्चन अगर हमसे पूछा जाता है तो उसकी शुरुआत कैसे कर सकते हैं। शुरुआत इस तरीके से की जा सकती है कि प्लास्टिक वेस्ट जो है, इसकी समस्या जो है, दिस इज़ नॉट वेरी यूनिक टू इंडिया। ठीक है, ये आपको दुनिया के हर कोने में देखने को मिलेगा। डेवलप से डेवलप कंट्रीज़ में भी ये समस्या आपको देखने को मिलेगा ही। तो इसी को ध्यान में रखते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हाल ही में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 को इशू किया। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन। कुछ फैक्ट्स हम मेंशन कर सकते हैं। फैक्ट्स इंडियन कंटेक्स्ट में प्लास्टिक वेस्ट को लेके क्या है कि इंडिया जो है, दिस इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, इम्पोर्टर्स एंड कंज्यूमर ऑफ प्लास्टिक मटेरियल, पहली बात। एनुअल वेस्ट जो है कितना जनरेट होता है प्लास्टिक वेस्ट से, 3.3 मिलियन मेट्रिक टन। और इसमें से जो 40% प्लास्टिक वेट है वो होता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का। अब ये ना देखो, ये बहुत इजी है। अब आपको लग रहा होगा कि बहुत सारे फैक्ट्स हो जाते हैं ऑलरेडी, अलग अलग सब्जेक्ट्स में इतने सारे फैक्ट्स हैं तो कैसे याद करें। ये बहुत इजी है। देखो, 40% जो है, 40% प्लास्टिक वेस्ट जो है वो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है। इसको टेक्निकली समझो, ये कैसे हो सकता है और क्यों है। देखिए, होता क्या है, जब हम बात करते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक की, तो उसमें इन मोस्ट ऑफ़ द केसेस, नॉट मतलब कि हर केस में नहीं है, इन मोस्ट ऑफ़ द केसेस, जैसे कि आप एग्जांपल ले लो एक स्पून की, ठीक है, जो डिस्पोजेबल स्पून होता है, जब आप किसी स्ट्रीट वेंडर के पास जाओगे कुछ खाने के लिए तो बहुत से केसेस में आपको वो ये स्पून प्रोवाइड करते हैं, जो डिस्पोजेबल स्पून होता है। किसी बेकरी की शॉप पे अगर आप गए होगे, अगर आपने पेस्ट्रीज ऑर्डर किया होगा तो उसके लिए जो स्पून देते हैं वो भी कौन सा होता है, डिस्पोजेबल होता है। अब वंस आपने वो यूज़ किया, वो जाएगा डस्टबिन में, तो उसके बाद जहाँ मर्जी उसको डंप किया जाए, ठीक है, ओपनली जाके डंप किया जाए या फिर म्यूनिसिपल वाले उठा के ले जाए, जहाँ भी उसको फेंका जाएगा, जब रैग पिकर्स आएंगे, या फिर अगर हम रैग पिकर्स की यहाँ पे बात करें, तो जब वो अलग अलग जगहों पे ये चीज़ें उठाते हैं तो वहाँ पे वो उन सिंगल यूज़ प्लास्टिक या फिर प्लास्टिक को वो उठाते हैं जिनका साइज़ जो है वो लार्जर हो इन नेचर, ठीक है। लेकिन ये स्पून का साइज़ क्या है, कुछ भी नहीं है, उसकी मॉनेटरी वैल्यू है कुछ भी नहीं है। ऐसे लाखों मतलब इकट्ठे करेगा तब वो 2-4 किलो होगा तो कुछ पैसे उसके बनेंगे, ठीक है। तो इसलिए जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक होते हैं जिनका वेट जो होता है बहुत कम होता है, ठीक है, तो उसको रैग पिकर्स के द्वारा इग्नोर किया जाता है, ठीक है। तो इसलिए आप कह सकते हो कि उसको क्योंकि उठाया ही नहीं जा रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे सरप्राइजिंग फैक्ट बताता हूँ आपको, 99% जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल हो जाता है लगभग, ठीक है, लेकिन ये सिंगल यूज़ वाला नहीं हो पाता क्योंकि इसको कोई उठाता ही नहीं है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपने याद रखना है। अब ये जो न्यू रूल्स जो आए हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या बातें की गई हैं। सबसे पहले तो इन्होंने डेफिनेशन दी है। डेफिनेशन क्या चीज़ की दी है इन्होंने, डेफिनेशन दी है प्लास्टिक की, कि प्लास्टिक क्या हो सकते हैं। देखो, ये वाला जो स्लाइड है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपके प्रीलिम के लिए, ठीक है। मेंस के लिए तो है ही है, लेकिन प्रीलिम के लिए भी इंपॉर्टेंट है कि न्यू प्लास्टिक वेस्ट जो रूल आया था इसके तहत प्लास्टिक को कितने टाइप में डिवाइड किया गया। तो 3 टाइप है, ठीक है, रिजिड, फ्लेक्सिबल और मल्टी लेयर, जहाँ पर प्लास्टिक और प्लास्टिक के अलावा किसी और मटेरियल का भी एक लेयर उसमें होना चाहिए। तो एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, ठीक है, उसकी बात की गई है, ठीक है, इसको प्रमोट किया जाएगा और इसके लिए बकायदा सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। सेंट्रल ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा, इसका काम क्या होगा, रजिस्ट्रेशन किया जाएगा और एनुअल रिटर्न जो है इन सभी का उस पर लिखा जाएगा, ठीक है। हम बात कर रहे हैं प्लास्टिक से रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ की। इन्वायरमेंटल कंपनसेशन की बात की गई है, दैट मीन्स कि कंपनसेट किया जाएगा किन लोगों को जिन्होंने इन्वायरमेंट को प्रमोट किया है, ठीक है, पैसा किससे लिया जाएगा जिन्होंने इन्वायरमेंट को बर्बाद किया है, ठीक है। तो इन्वायरमेंटल कंपनसेशन की भी यहाँ पे बात की गई है और एक कमेटी बनाई जाएगी, ठीक है, जिसका कि चेयरमैन होगा CPCB का चेयरमैन, ठीक है। और इस कमेटी को बनाएगा कौन, बनाएगा भी CPCB, और इसका जो बॉस होगा वो CPCB का जो बॉस है वही होगा, ठीक है। तो ये सभी प्रीलिम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। चैलेंजेस क्या है, देखो चैलेंजेस ये है कि एक यहाँ पे बात ये भी रूल में मेंशन की गई है कि ये जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ये प्लास्टिक जनरेट कर रहे हैं, प्लास्टिक यूज़ कर रहे हैं, तो उसका 60% जो है, जितना जनरेट कर रहे हैं उसका 60% जो है इनको रिसाइकिल करना है 2023 तक। अब इसमें दो बड़ी समस्या है। पहली समस्या क्या है कि जो रिसाइकल वाला सेक्टर है ये बड़ा इनफॉर्मल सा सेक्टर है, ठीक है, इनफॉर्मल सेक्टर है। कोई मतलब इनफॉर्मल का क्या मतलब है, यहाँ पे इनफॉर्मल होने का मतलब ये है कि गवर्नमेंट के पास कोई डेटा नहीं है, तो कितना किया जा रहा है कैसे पता चलेगा।
सेकेंड यहाँ भी ये है कि लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, अपने पास मतलब वो हाई टेक टेक्नोलॉजीज नहीं है कि जल्दी जल्दी से और इफेक्टिव तरीके से इसको हम रिसाइकल कर सकें। थर्ड पॉइंट क्या है कि इन्वायरमेंटल अगर डिग्रेडेशन हो वाइल रिसाइकिलिंग, इसके नॉर्म्स क्या होने चाहिए। ठीक है, जब आप रिसाइकल करोगे पोल्यूशन होगा, स्वाभाविक सी बात है, तो उसका क्या नॉर्म होना चाहिए, इसके लिए अभी कोई बात नहीं की गई है। स्टीयरिंग कमेटी जो बनाई गई है दैट इज़ नॉट वेरी इंक्लूसिव, उसमें मतलब कि सभी स्टेक होल्डर्स जो आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, कोई साइंटिस्ट नहीं है या फिर बहुत से जो स्टेक होल्डर होने चाहिए थे इसमें वो नहीं है, तो वो इंक्लूसिव नहीं है। ये कुछ समस्याएं हैं, चैलेंजेस हैं। वे फॉरवर्ड में क्या लिख सकते हैं, वे फॉरवर्ड में यही लिख सकते हैं कि ये जो ग्रुप है इसको हम इंक्लूसिव बनाएं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे पैसा लगाए, ठीक है, टेक्नोलॉजीज जो है हाई एंड की उसको इम्पोर्ट करें। ठीक है, तो ये सब कुछ हम वे फॉरवर्ड में लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस टॉपिक में इतना ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद।